बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्केटिंग रिसर्च क्लास। शायद मंजूर इज हियर। आई रियली वेलकम यू इन द क्लास। टुडे इज माय लास्ट टॉपिक बिफोर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। योर मिड टर्म एग्ज़ाम मे बी विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म वाइवा। ठीक है, गेट रेडी फॉर डेट एग्ज़ाम। बकिया के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, इंशाल्लाह वो मिड टर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। इससे पहले हम सैम्पलिंग कंसेप्ट, सैम्पलिंग की डिटेल में तारीफ, डिज़ाइनिंग ऑफ सैंपल, फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द सैंपल साइज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड, यानी कि सैंपलिंग किस तरह से की जा सकती है, कौन कौन सी सैंपलिंग हो सकती हैं। इंतहाई इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा आज, आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होगी। देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स, probability sampling and the second one is non-probability sampling. What is probability sampling? Probability sampling utilizes random sampling technique to create a sample. This group of sampling method gives all the members of a population equal chances of being selected in that sample. Yani probability sample mein hum random sampling karte hain. रैंडम सैंपलिंग का मतलब ये है कि हम तमाम लोगों को, पापुलेशन तमाम की तमाम मेंबर्स को हम इक्वल चांस देते हैं, मौका देते हैं कि वो हमारे इस सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ऑल हैव इक्वल राइट टू बी सिलेक्टेड इन योर सैंपल। दैट अप्रोच इज़ एक्चुअली नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। On the other hand, non-probability sampling is a group of sampling technique where the samples are collected in a way that does not give all the units in the population equal chances of being selected. Probability sampling does not involve random selection at all. Uska opposite hai, uske mutabadil hai, uska ult hai. Yani probability sampling mein hum sabko equal chance dete hain ki wo select kiye ja sake, jabki non-probability sampling mein aisa हरगिज़ नहीं है। कुछ इसके और कायदे ज़वाबत होंगे, कुछ और शराइत होती हैं सैंपल के तौर पर, सैंपल मेंबर के तौर पर सेलेक्ट होने की, वो क्या होंगी इस पर थोड़े टाइम बाद डिटेल से बात हो जाएगी। तो देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स, नंबर वन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इस पर नज़र डालते हैं जी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मज़ीद तीन टाइप्स हैं। नंबर वन सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नंबर टू स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड द लास्ट वन इज़ क्लस्टर सैंपलिंग। एक एक को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी तीन टाइप्स हैं, पर्पज़ के लिहाज से सैंपलिंग पर्पजिव, नंबर टू कोटा सैंपलिंग एंड नंबर थ्री कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है जी, ये नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स आ जाती हैं। अब ये इस डायग्राम पर आपने गौर करनी है, बहुत दिलचस्प है। आपको ये डायग्राम की वजह से समझाने की कोशिश की हुई है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग मीन देख लें, कन्वीनियंस मीन विच आर इजी टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल मेंबर। ये देखें जो करीब करीब में बस उनको सिलेक्ट कर दिए सैंपल के तौर पर, इसलिए इसको कन्वीनियंस कहा है। पर्पज़ के लिहाज से देख लें, पर्पज़ मीन जो आपके मकसद पर पूरा उतर सकता है, जो इस मकसद का है, जो इस लेवल का है, जो काम का बंदा है, चाहे वो जहाँ से भी मिलता है। देखें कहाँ कहाँ से उठाया हुआ, ये देखें एक यहाँ से उठाया हुआ है, एक यहाँ से उठा लिया और एक यहाँ से उठा लिया पर्पज़ को पूरा करने के लिए। अब स्नोबॉल सैंपलिंग के थोड़े टाइम बाद डिटेल में देखते हैं, ये डायग्राम आगे को आ गई। स्नोबॉल इसकी जब तक मैं आपको डिफिनेशन नहीं बताऊँगा आप नहीं समझ सकते, गौर कर लें। पहले ये एक बंदा सिलेक्ट किया, आगे इसकी वजह से तीन सिलेक्ट कर दिए, यहाँ से एक सिलेक्ट किया, आगे इसकी वजह से तीन सिलेक्ट कर। स्नो बर्फ़ को कहते हैं, स्नो बाल मीन बर्फ़ का गोला। थोड़ा सा वेट कीजिए, समझाता हूँ। वॉलंटियरी सैंपल देख लें जी, जो खुद रजामंद हैं, जहाँ जहाँ से भी आना चाहते हैं आप उनको उठा लिए।
तो ये डायग्राम काबिले गौर है। ये कुछ मज़ीद डिटेल में बात है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, कौन कौन सी होती हैं टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट दी हुई हैं, तो मैं सारी अगर इस लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, दोनों कैटेगरीज़ को तीन तीन उनकी सब हेडिंग पर जाकर डिटेल से बात करने लगा हूँ। प्रोबेबिलिटी की भी तीन टाइप्स आज पढ़ते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी तीन टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी टाइप्स के लिहाज से स्लाइड एक्सप्लेन की हुई हैं कौन कौन सी होती हैं। अब देखें जी, पहली जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो किसकी टाइप है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह साथ साथ देख सकते हैं आप। व्हाट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग इन स्टैटिस्टिक? अ सैंपल रैंडम सैंपल इज सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स चूजन फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन। ईच इंडिविजुअल इज चूजन रैंडमली एंड इंटायरली बाय द चांस सच डेट ईच इंडिविजुअल हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग चूजन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस। इसको थोड़ा आसान करूँ, इसका मतलब वही है जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तारीफ थी, यानी अकॉर्डिंग टू सिंपल रैंडम सैम्पल टेक्निक ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज द मेम्बर ऑफ सैम्पल, सो डैट दिस टेक्निक इज़ नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी ये वही टेक्निक है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इन दैट टाइप ऑफ सैंपलिंग वी ऑलरेडी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस बीइंग सिलेक्शन टू बी सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ योर सैंपल। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड, ठीक है जी, तो ये था सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नंबर टू, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड क्या होते हैं? इट इज़ फ्रॉम स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स डेट शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटा। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है? द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू सब पॉपुलेशन स्ट्रेटा, यानी ग्रुप। आप पूरी आबादी को, पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे पॉपुलेशंस में, एरिया में, स्ट्रेटा में, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड रैंडम सैंपल्स आर टेकन ऑफ ईच स्ट्रेटम। अब फिर उस स्ट्रेटम से, उस ग्रुप से आप सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपल हैज़ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम एज द पॉपुलेशन डज, ठीक है जी। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, हम ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के साथ उनको सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनकी मदद से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सो डैट दिस सैंपल टेक्निक इज़ नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नंबर थ्री इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग इज डिफाइंड एज अ सैंपलिंग टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। क्लस्टर, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रहे होते हैं ग्रुप्स, उनको क्लस्टर कहते हैं। Then a sample of the cluster is selected randomly from the population. The term cluster refers to a natural but heterogeneous intact grouping of the member of the population. The most common variable used in the clustering population are the geographical area, building, school, etc. देखें बाज़ वक़्त खुद ही वो groups एक तरह से cluster के तौर पर बने हुए होते हैं on the basis of geographic on the basis of geographical area, building, schools, जैसे स्कूल है वो उसको आप एक क्लस्टर में रख लें, दूसरा स्कूल है दूसरे क्लस्टर में, तो एक तरह से वो बने हुए होते हैं, ठीक है। heterogeneity of the cluster is an important feature of an ideal cluster sample design. सब टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल स्टेज है, टू स्टेज है, मल्टीपल मल्टी स्टेज है, इसको फिलहाल छोड़ दें। तो क्लस्टर सैम्पल क्या होते हैं, इस पर ज़रा और बात कर रहे हैं। क्लस्टर सैंपलिंग द प्रोसेस ऑफ रेंडमली सिलेक्टिंग इंटैक्ट ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल्स विद इन द डिफाइंड पॉपुलेशन शेयरिंग सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्लस्टर सैंपल कौन से होते हैं जी, जो ऑलरेडी सिलेक्ट किए होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। क्लस्टर्स आर लोकेशन विद इन विच एन इंटैक्ट ग्रुप ऑफ मेम्बर्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी फाउंड, एग्जाम्पल नेबरहुड्स, स्कूल डिस्ट्रिक्स, क्लासरूम्स एट्सेट्रा। जो बने हुए एक तरह से ग्रुप्स होते हैं वहाँ उनकी मदद से जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं किसको
सैंपल को तो इस टेक्निक को कहा जाता है जी, कौन सी सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। अब आते हैं जी कोटा सैंपलिंग क्या होता है। इन कोटा सैंपलिंग द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज मेड बाय द इंटरव्यूअर हु हैज़ बीन गिवन कोटा टू फिल फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरव्यूअर मे बी टोल्ड टू सैंपल 50 फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 60। अब ये कोटा मुंतखब हो गया, कोटा का डिसीजन हो गया कि सिर्फ उन 50 औरतों के इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए जाएं जिनकी एज 45 साल से लेकर 60 साल की एज के दरमियान होगी। अब ये 45 साल और 60 साल का डिसीजन हो जाना, इसके दरमियान की फीमेल्स का होना, इसको कहते हैं कोटा। और भी बड़ी एग्जांपल दी जा सकती हैं, जैसे बाज़ का तो होता है जी इस सैंपल में डिसेबल का कोटा इतना होगा, ठीक है, इस सैंपल में फीमेल का कोटा इतना होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड कोटा सैंपलिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोटा। एंड द नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल मीन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, उर्दू में इसको कहते हैं बर्फ़ का गोला। इसकी तारीफ समझने से पहले आप गौर कर सकते हैं लफ्ज़ स्नोबॉल के बर्फ़ का गोला होता क्या है। बर्फ़बारी के दिनों अक्सर इस तरह होते हैं, आप भी करते होंगे, छोटी सी बर्फ़ ली, थोड़ी सी बर्फ़ ली, उसको गोला बनाया, ठीक है, उस गोले को फिर आप बर्फ़ के पहाड़ पर, बर्फीले इलाके में, कहीं भी जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ उसको फेंकते रहते हैं। अब वो थोड़ी बर्फ़ थोड़े टाइम बाद जब वो अपने साथ और बर्फ़ को मिलाती है तो एक तरह से वो बड़ा गोला बन जाता है, डेट इज़ नोन एज स्नोबॉल। अब यहाँ इससे मुराद क्या है, सिंपली स्नोबॉल सैम्पलिंग में इस तरह होता है, हम शुरू से एक दो बंदों को, एक बंदे को लिया जी सैम्पल के तौर पर कहीं से भी, जिस तरह बर्फ़ का गोला शुरू से छोटा सा लिया, यहाँ मुराद ये समझ एक या दो बंदे ले लिए शुरू से एक, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमरी सैम्पल मेम्बर। अब आपने उसको कहा यार दो मुझे और दे दो कहीं से, आप अपनी मदद से दो तीन बंदे दे दो, वो जो दो तीन मिले उनको कहा यार एक एक आप और दे दो, यानी हम शुरू से चंद बंदे एज अ सैम्पल मेंबर लेते हैं, फिर उनकी मदद से आगे मज़ीद हम अपने बंदों को यानी मेंबर ऑफ सैम्पल को, सैम्पल साइज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये है क्या स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन क्योंकि देयर इज़ नो इक्वल चांस। अब देखें कैसे जी, अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट्स रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग देयर एक्विटेंसेस द सैम्पल ग्रुप्स ग्रोज लाइक अ रोलिंग स्नोबॉल, वही देखा रोल करता हुआ बर्फ का गोला। द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स रेफर्स अ फ्रेंड, जैसे आप किसी एक दोस्त को कह देते हैं यार कि आप अपनी मदद से इनको सैम्पल के तौर पर अपने दोस्तों से सिलेक्ट किया जाए। द फ्रेंड्स आल्सो रेफर्स अ फ्रेंड, आपने अपने दोस्त को सैम्पल का मेंबर बनाया। अब आपने अपने दोस्त को कहा यार आप अपने दोस्तों में से जो इस सैम्पल के लायक हैं, आप जिनको समझते हैं उनको इस सैम्पल में सिलेक्ट कर लें, तो वो अपने दोस्तों को सिलेक्ट कर लेता है, इसलिए उसको कहते हैं कौन सी सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक हुआ, बर्फ़ के गोले वाली बात ही है। तो तीन हमने टाइप्स पढ़ी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, और तीन हमने टाइप डिस्कस की कौन सी सैम्पलिंग की जी, स्नोबॉल सैम्पलिंग की। स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये दो उसकी हो गई, क्लस्टर सैम्पलिंग और ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसकी हो गई, सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ठीक है, ये भी देख लिया आपने, यहाँ पर भी देख लिया। अब यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें एक कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मैं स्टार्ट में बता भी चुका हूँ वो जो डायग्राम थी उसकी मदद से, कि कन्वीनियंस मीन एक्सीडेंटल भी कह सकते हैं इसको, विचार इजी टू हैव अप्रोच, इजी टू सेलेक्ट, इजी टू आस्क समथिंग फ्रॉम दोज मेंबर्स, उसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसकी मिसाल मैं आपको यूज समझाऊँ, बाज़ का सड़क का हादसा हो जाता है, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, अब वहाँ पर जो बंदे करीब होते हैं उन्हीं का आप इंटरव्यू जाते ही कंडक्ट कर, वही आपके सैम्पल मेंबर बन जाते हैं, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग विच आर इजीली अप्रोचेबल, जिनको आप जल्दी से आसानी से आप अप्रोच करके उन पर सवाल जो आपका सिलसिला जारी रख सकते हैं। तो ये तीन तीन टाइप हमने पढ़ ली, इनको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
इसमें और भी देख लें आप, जैसे देखें एरिया सैम्पलिंग है, ये भी डिस्कस हो चुका, पैनल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल है, कोटा है, कन्वीनस है, जजमेंट है। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है इस पर भी बात कर लेते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट्स मीन नाम खुद बता रहा है जजमेंट, इसमें इक्वल चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं होता। एवरी पर्सन, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव नो इक्वल राइट टू बी सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ दैट सैंपल। बट क्या होता है जजमेंट, जजमेंट से मुराद रिसर्चर की जजमेंट, इंटरव्यूअर, अ पर्सन हु इज गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च, हिज ओन जजमेंट हेयर वैल्यूएबल। उसकी जो अपनी जजमेंट है, वो जिस बंदे को इस काबिल समझता है कि उसको सैंपल का मेंबर बना दे, तो वो अपनी जजमेंट पर उसको जब सेलेक्ट करता है, डेट टेक्निक, डेट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज नोन एज जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंट सेज। ठीक है, तो तीन तीन टाइप्स दोनों की डिस्कस हो चुकी। आपने मज़ीद इस पर थोड़ा फोकस करना है, ख़ुद स्टडी करना है, इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में देख लें, नोट भी बना लें। मिड टर्म के बाद, मिड टर्म वाइवा जो होगा किसी भी इसी अगले हफ्ते में होने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितनी आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हैं वो असाइनमेंट्स आपने अपनी फाइल में अटैच करनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूला और पॉपुलेशन और सैम्पल साइज़ अपना सेलेक्ट करके उसको असाइनमेंट बनाएं, एक स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट भेजी है, ठीक है, उसका फार्मूला। आप बाकी लोग भी इस तरह अपना फार्मूला लगाकर पॉपुलेशन पहले से डिसाइड करते हुए उस हवाले से बात कर लें, ठीक है, अपना सैम्पल साइज़ सिलेक्ट कर लें जी। ठीक है, सुबह आप में से कोई पूछ रहा था कि पॉपुलेशन हम कहाँ से सिलेक्ट करें जी, कोई कह रहा था बिज़नेस। अब बिज़नेस इज़ एन इंडस्ट्री, बिज़नेस इज़ अ फील्ड। अब वहाँ से आपने कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन देखनी, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स के वाले से बात की कि इफ़ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर रिसर्च विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग मेंबर्स ऑफ योर सैंपल, मैंने हज़ार एडवियन के कॉमर्स कॉलेजेस की बात की कि लेट्स सपोज हज़ार एडवियन या केपी पूरे को मिलाकर यहाँ पर 15,000 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 15,000 हमने तुक्का नहीं मारा, हमारे पास सोर्स होता है, इसको कहते हैं सोर्स। सोर्स से मुराद हम गए जी, कहाँ गए जी, बरसर ऑफिस गए जी, हमने मुतलका कॉलेज के ऑफिस से डेटा लिया जी, जीसीएमएस मानसरा की टोटल स्ट्रेंथ बता दें जी, पता चल गई जी, इस तरह एबटाबाद, हरिपुर, जो जो भी कॉलेज हैं इस एरिया के अंदर। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हो गया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 15,000 है। तो ये इस तरह आपने ढूंढनी है। अब इस 15,000 में से हम 15 के 15,000 का इंटरव्यू या क्वेश्चनियर तो नहीं कर सकते थे, तो फिर हमने फार्मूला लगाया और हमारे फार्मूले के मुताबिक हमारा सैम्पल साइज़ कितना आया था, 390 आया था, ठीक है, 390 आया था। अब आप जैसे अपने अपने सैम्पल साइज़ नहीं सिलेक्ट कर सके, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे कोई कह रहा था कि, अब वो बता रहा था हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल तो पॉपुलेशन नहीं है। अब आप उसके अंदर की बात करें, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि नर्सेज एंड डॉक्टर से मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ इस तरह बात होगी कि भाई हज़ारा डिवीजन में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपका DHKU मानसेरा, आपका कम्प्लेक्स हॉस्पिटल, आपका DHKU हरिपुर, इसी तरह जो और हैं हज़ारा डिवीजन में, ये जो 5-6 DHKU हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ जाएं, उनके ऑफिस से आप डेटा लें कि यार यहाँ पर टोटल नर्सेज डॉक्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। आपको मानसेरा, हरिपुर, एबटाबाद, दाएँ बाएँ जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हज़ारा में आते हैं, उनके हॉस्पिटल्स की टोटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी डॉक्टर्स की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे के सारे बनते हैं 1,000, तो अब आप 1,000 आपकी क्या कहलाएगी, टारगेट पॉपुलेशन कहलाएगी। अब आप उसका सैंपल सेलेक्ट करें फार्मूले की में से, जो जवाब आएगा जो 90-91 राउंड अबाउट आता है, तो वो आपका सैंपल साइज़ बन जाएगा, आप उससे डेटा ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात कहाँ चली गई, पॉपुलेशन सेलेक्ट करने का तरीका। एक और एग्जांपल दे देता हूँ लास्ट, फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हैं, आप कहते हैं जी हम जो है डेटा लेना चाहते हैं शॉपकीपर से, कौन से शॉपकीपर्स
वो उसमें तो बड़ी कैटेगरी आ जाती है। आप कहते हैं जी हम गोल्ड स्मिथ सनार जिनको कहते हैं शॉपकीपर के तौर पर, हम उनसे कुछ रिसर्च लेना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं। तो ठीक है, आप जो भी सिटी पहले सिलेक्ट करें, यानी अपना एरिया सिलेक्ट करें, हज़ार एडवीन के सनार की बात कर लें जी, तो आप सिटी बाज़ार मानसरा जो कश्मीरी गली शिनकारी रोड दाएँ बाएँ जितने गोल्ड स्मिथ हैं, वो तो हर एक तो नहीं हो सकता, वो चीज़ें चीज़ें लोग हैं, उनकी लिस्ट एक बना लीजिए। ठीक है, इतने हैं। फिर इस तरह मनसेरा से आगे अपटाबाद हरिपुर और जो डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं, लिस्ट बन गई। अब आप सब कंट्री तो कंडक्ट नहीं कर सकते, तो आप फार्मूले लगाएंगे, जितनी नंबर ऑफ सैंपल साइज आती है आप उनको सिलेक्ट कर लें एज अ सैंपल मेंबर। तो ये हुई डिटेल से बात, किसके हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से, सोर्स क्या होता है पॉपुलेशन का, आप कभी भी याद रखें जो है वो अपनी तरफ से तुक्का जिसको कहते हैं वो नहीं लगा सकते। ठीक है जी, ऐसा नहीं आप कहें जी मेरी फील्ड का, मेरी एरिया का, मेरी इंडस्ट्री का इतनी आबादी थी, इतनी पॉपुलेशन टोटल बनती थी, तो उसको सैम्पल साइज़ कितना आएगा। ठीक है, सैम्पल साइज़ आप फार्मूले में से निकाल लेते हैं, लेकिन जब तक आप सोर्स नहीं बताते उस पॉपुलेशन का, डेट इज़ फेक रिसर्च एंड डेट इज़ चीटिंग इन योर रिसर्च। ठीक है, होप यू विल नॉट बी चीटर इन योर फ्यूचर लाइफ। गुड लक।